हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया क्यू लर्निंग इन रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो लर्निंग ब्रीफली इन अ पैराडिग्म ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन विच अ लर्निंग एजेंट लर्न्स ओवर टाइम टू बिहेव ऑप्टिमली इन सर्टेन एनवायरमेंट, ओके, बाय इंटरेक्टिंग कंटिन्यूअसली इन द एनवायरमेंट। इट इज कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट and with respect to environment it has been learning our agent what agent does agent kya karta hai ki bhai wo continuously environment ke sath mein interact karta rehta hai aur wo uske sath learn karta rehta hai the agent during its course of learning experience various different situations in the environment it is in this is called state jo matlab different different jo conditions create hoti hai सिचुएशंस क्रिएट होती है इन्वायरमेंट के अंदर उसे हम कहते हैं स्टेट स्टेट एस ओके द एजेंट वाइल बीइंग इन द स्टेट मे चूज फ्रॉम अ सेट ऑफ अलाउएबल एक्शंस विच मे फेच डिफरेंट रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज तो जब हमारा एजेंट कोई भी स्टेट में होता है तो वो जितने भी सेट ऑफ अलाउएबल एक्शंस होते हैं कि एक सेट है मैंने कुछ एक्शंस डिफाइन किए हैं जो कि मैंने एक पॉलिसी बनाई है कि मैं किसी को मार सकता हूँ या नहीं मार सकता हूँ ये एक एक्शन है किसी को के साथ में मैं उसको रिवॉर्ड दे सकता हूँ ये भी एक एक्शन है एक्शन में भी एनीथिंग कुछ भी मैं एक्शन कर सकता हूँ उन्हीं एक्शन में से मेरे को कोई एक एक्शन को चूज करना पड़ेगा ठीक है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफरेंट रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज जो लर्निंग एजेंट है टाइम के अनुसार वो लर्न करता है कि किस तरीके से हम मैक्सिमाइज करें रिवॉर्ड सिस्टम को सो एज टू बिहेव ऑप्टिमली एट एनी गिवन स्टेट किसी भी गिवन स्टेट के ऊपर वो किस तरीके से बिहेव करे कि उसको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले ठीक है सो एस के ऊपर वो बिहेव करेगा एक एक्शन और उस एक्शन से मिलेगा उसको रिवॉर्ड मैक्सिमम रिवॉर्ड बोल सकते हैं क्यू लर्निंग इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ रिइंफोर्समेंट लर्निंग विच यूजेस क्यू वैल्यू क्यू लर्निंग एक बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर ये क्यू वैल्यू को यूज कर सो क्यू वैल्यू से जो बेसिक फॉर्म ऑफ आरएल है और इसके अंदर हमारे पास में होता है क्यू वैल्यू ठीक है टू इटरेटिवली इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द लर्निंग एजेंट इसकी मदद से हम एक इटरेशन के तहत हम जो जो एजेंट की लर्निंग है उसे हम इम्प्रूव करते रहते हैं रैपिडली इम्प्रूव करते रहते हैं सबसे पहला जो इसके अंदर फैक्टर है वो है क्यू वैल्यू इसका दूसरा जो नाम है वो है एक्शन वैल्यू भी ठीक है क्यू वैल्यू आर डिफाइंड फॉर स्टेट एंड एक्शंस जो क्यू वैल्यू है वो डिफाइंड होता है स्टेट और एक्शंस सो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ हाउ गुड इज इट टू टेक द एक्शन ए एट स्टेट एस मतलब कि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कितना बढ़िया एक्शन ले सकता है इट विल इटरेटिवली कंप्यूट यूजिंग टीडी अपडेट रूल इसके अंदर हम यूज करते हैं टीडी अपडेट रूल ठीक है विच वी विल सी इन इन आवर अपकमिंग सेशन सो रिवॉर्ड्स and episode you'll see this okay an agent over the course of this lifetime starts from a start state ek jo agent hai over the course of its lifetime matlab apni lifetime baat kare jahan se start karta hai jahan se apna goal end karta hai to jab baat kare apan uski starting state se स्टार्टिंग स्टेट से बात करें ठीक है
makes a number of transactions from its current state to next state based on its choice of action. वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करता है एक स्टेट से, मतलब एक स्टेट है ए, उस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, जो भी वो एक्शन मतलब कोई भी एक्शन लेता है, यहाँ पर आ गया एक्शन, इस एक्शन की मदद से इस पर्टिकुलर स्टेट से जो एक करेंट स्टेट है उसकी मदद से वो नेक्स्ट स्टेट में जाता है। ये यार मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटा में आपने ये सब पढ़ा होगा किस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं कोई भी इनपुट के तहत, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब जैसे जैसे वो इन्वायरमेंट को से इंटरेक्ट करता है, एक नई स्टेट उसके अंदर बनती है और वो उसी हिसाब से एक्शन लेता है। तो एक एक्शन वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो मैं ये लिख देता हूँ एक एक्शन स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, मैं स्टेट लिख देता हूँ, ठीक है। एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजिशन द एजेंट फ्रॉम स्टेट टेक्स एन एक्शन, ऑब्जर्व अ रिवॉर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड देन ट्रांसमिट टू अनदर स्टेट, ठीक है। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द एजेंट एंड्स अप इन वन ऑफ द टर्मिनेटिंग स्टेट, दैट मीन्स देर आर नो फर्दर ट्रांजिशन पॉसिबल। अगर मान लीजिए कि ये एक टर्मिनेटिंग स्टेट की तरफ चला गया, ऑटोमेटा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब यहाँ से तुम कुछ भी इनपुट दो, कुछ भी दो, वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। सो टर्मिनेटिंग स्टेट दो तरीके की हो सकती है, या तो गोल स्टेट हो सकती है, या तो एक ऐसी स्टेट जहाँ से अब हम वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसे मतलब एक तरीके से ऑटोमेटा की में तो उसको वो बोलते हैं हम बेसिकली इसको लूप होल बोलते हैं, लूप भी बोल देते हैं कई बार कि लूप में फंस गया वो एक तरीके से, ठीक है, अब वो इससे बाहर नहीं आ सकता। यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो गोल स्टेट हो गई वो भी टर्मिनेटिंग स्टेट है, और एक बीच में जहाँ पर वो फेल हो गया, वो जो पर्टिकुलर टास्क को उसको करने में फेल हो गया, तब भी वो चीज अकर होती है। सो दिस इज सेड टू बी एन कंप्लीशन ऑफ एन एपिसोड, और इसे ही हम कहते हैं कि एक एपिसोड कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन ऑफ एन एपिसोड। एपिसोड स्टार्ट हुआ उसकी स्टार्टिंग स्टेट से और खत्म हुआ अपनी टर्मिनेटिंग स्टेट पे आकर। तीसरा है टीडी, जो मैंने कहा था ना टीडी अपडेट करते हैं, तो टीडी है क्या असल में, टेम्पोरल डिफरेंस, ठीक है। द टीडी अपडेट रूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, हम स्टेट है और इसके अंदर हम प्लस कर रहे हैं लर्निंग रेट, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है, नई स्टेट नया ये माइनस जो प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। सो दिस अपडेट रूल टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ क्यू इज अप्लाइड एट एवरी टाइम स्टेप ऑफ एजेंट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर एस जो है वो तो स्टार्टिंग वो करेंट स्टेट हो गया, ए जो है करंट एक्शन हो गया जो हम पिक करते हैं अकॉर्डिंग टू सम पॉलिसी। सो एक हो गया हमारे पास में करंट स्टेट, ठीक है, स्टेट ए करंट एक्शन। अब एस डैश हो गया नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेट जो भी नेक्स्ट स्टेट बनने वाली है, और नेक्स्ट एक्शन नेक्स्ट बेस्ट एक्शन जो भी हम लेंगे यूजिंग करंट क्यू वैल्यू एस्टिमेशन, जो भी करंट क्यू वैल्यू एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट कब लेंगे, जब करंट आ जाएगा, पिक दैट इज पिक द एक्शन विद द मैक्सिमम क्यू वैल्यू इन द नेक्स्ट स्टेट। हम जो भी नेक्स्ट मैक्सिमम क्यू वैल्यू है नेक्स्ट स्टेज के अंदर उसको हम ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब आर जो है वो अपना हो गया करंट रिवॉर्ड, करंट रिवॉर्ड हो गया जो भी हम ऑब्जर्व्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट से जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट पे हम एक रिवॉर्ड मिले। फिर ये जो गामा है ये
जीरो से तो बड़ा है और वन से छोटा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर है फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर है बेसिकली, ठीक है, फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए। फ्यूचर रिवॉर्ड आर लेस वैल्यूएबल देन करेंट रिवॉर्ड्स, सो दे मस्ट बी डिस्काउंटेड। उनको डिस्काउंट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है कंपेयर टू करेंट रिवॉर्ड। सिंस की क्यू वैल्यू इज एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड फ्रॉम अ स्टेट, डिस्काउंटिंग रूल अप्लाइज हियर एज वेल। अब अगला है ये अल्फा, सो दिस इज स्टेप लेंथ टेकन टू अपडेट द एस्टिमेशन। सो इसको मैं लर्निंग रेट भी बोल देता हूँ, लर्निंग रेट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा ये फॉर्मूले को, इस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं। एक्सक्यूज मी, इस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं। फोर्थ में हम चूज करते हैं एक्शन को जो कि यूजफुल है। सो इसमें हम ग्रीडी पॉलिसी के थ्रू जा सकते हैं। सो ई ग्रीडी पॉलिसी ऑफ इज अ वेरी सिंपल पॉलिसी ऑफ चूजिंग एक्शन यूजिंग द करेंट क्यू वैल्यू एस्टिमेशन। इट विल बी लाइक दैट कि हम इसको साई ये बोलते हैं, फाइव ग्रीडी पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रीडी पॉलिसी में क्या करते हैं, विद हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1-5 साई, मतलब ये एमटी का निशान होता है वैसे तो यार, ठीक है। चूज द एक्शन विच हैज द हाईएस्ट क्यू वैल्यू, कि मतलब इसके साथ में ये चूज करता है कि किसकी हाईएस्ट वैल्यू है, और विद प्रोबेबिलिटी दिस चूज एनी एक्शन एट रैंडम। ये कोई भी एक्शन एट रैंडम चूज करता है और ये हाईएस्ट वैल्यू चूज करता है, ठीक है। सो प्रॉन्स क्या है, लॉन्ग टर्म आउटकम्स आएंगे विच आर एक्सीडली चैलेंजिंग टू अकम्प्लिश एंड आर द बेस्ट अचीव्ड विद दिस स्ट्रेटेजी। सो लॉन्ग टर्म आउटकम्स हमें कब चाहिए, जब हम चेस के गेम खेल रहे हैं, तो हमें पहले से ही एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है कि अगले स्टेप्स में क्या करना है। दिस लर्निंग पैराडिग्म क्लोजली रिसेम्बल्स हाउ पीपल लर्न, कंसिक्वेंटली इट इज ऑलमोस्ट आइडल। द मॉडल हैज़ द एबिलिटी टू फिक्स मिस्टेक्स ड्यूरिंग द मिस्टेक्स मेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वंस अ मॉडल हैज़ फिक्स्ड अ मिस्टेक, देर इज अ वर्चुअल लिटिल प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैपन अगेन। इट कैन प्रोड्यूस द आइडियल मॉडल टू एड्रेस अ सर्टेन इश्यूज। आप मैंने कहा कि देखो हर एक चीज़ के पीछे उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो ड्रॉबैक है इसका। यूजिंग एक्चुअल सैम्पल्स, थिंक अबाउट द सिचुएशन ऑफ रोबोट लर्निंग फॉर इंस्टेंस। एक बार द हार्डवेयर फॉर रोबोट्स इज टिपिकली क्वाइट एक्सपेंसिव, सब्जेक्ट टू डेटेरियोरेशंस या फिर बाद में किसी और मतलब एक्सपेंसिव हम टास्क कर रहे हैं उन सब के लिए नहीं, ये सब बहुत ही वो है। सो द एक्सपेंस ऑफ फिक्सिंग अ रोबोट सिस्टम इज हाई। इंस्टेड ऑफ अबेंडिंग आरएल टुगेदर, वी कैन कंबाइन इट विद अदर टेक्निक्स टू एविएशन मैनी ऑफ दिस डिफिकल्टीज। डीप लर्निंग एंड आरएल आर वन कॉमन कॉम्बो। सो हम कभी कभी करते हैं कि आरएल और डीप लर्निंग का एक कॉम्बो बनाते हैं, क्योंकि अकेली आरएल लगाना इट्स नॉट एन ईजी एंड अप्रिशिएटेबल टास्क। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दी थ्योरी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।